आज 14 दिसंबर 2019 दिन सैटरडे, हम लोग द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर हम लोग ओखा आए हैं। हमारे यहाँ फ्रेंड हैं जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं दिल्ली में, और यहाँ वो इंजीनियर हैं जो बड़े बड़े शिप को समुद्र में प्लेस करते हैं, और कुछ गड़बड़ होता है तो उसको फिर इनके यार्ड में आके बनता है। ये केशव राम जी हुए। हेलो हेलो सर, वेलकम सर। और ये बताएंगे इसके बारे में कैसे होता है सर। ये क्रेडल है, इसके ऊपर जो इस क्रेडल को हम पानी में ले लेते हैं पीछे। हाँ, रेलवे लाइन टाइप का बना हुआ है क्रेडल को। हाँ, ये पानी में लेते हैं, पीछे। और पीछे ले जाने के बाद में जैसे पानी हाई टाइड हो जाता है तो इस क्रेडल के ऊपर जो है शिप को हम ले लेते हैं, और पोजिशन करने के बाद में यहाँ हमारे पास पावर विंच है उस साइड में, उससे क्रेडल को खींच लेते हैं और क्रेडल पे शिप जो है बाहर आ जाता है, और इसका अंडर वाटर रिपेयरिंग वगैरह उसी के ऊपर करते हैं। गुड। ये सामने आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा शिप या जो नाव है, इससे लोग बेट द्वारका जाते हैं, जहाँ सुदामा जी का मुलाकात कृष्ण भगवान से हुआ था, इसीलिए बेट द्वारका कहा जाता है। हम लोग भी अभी थोड़े देर के लिए जाएंगे। जो है अभी ब्रिज का काम चल रहा है जो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर यहाँ से फिर बोट की बजाय जो है आप ब्रिज से जो है भेट द्वारिका जा पाएंगे। अभी ब्रिज का जो काम चल रहा है, मैंने हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो ब्रिज से जाएगा। अभी के लिए इतना ही, काफी बड़ा मूवी बन रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।